भलाई समाज के लोग यहाँ पर, यहाँ जो एक्सीडेंट में जो कंडक्टर थे जिन राहुल सिसोदिया जी ड्राइवर थे, उनके जो उस दुर्घटना में शांत हुए थे, तो उनको उनके बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर, उनकी मिसेज को नौकरी देने के लिए और दो ही बच्चियों के नाम से 5-5 लाख की एफडी करने की मांग को लेकर धरने बैठे थे। आज स्कूल प्रबंधन से हमारी बात हुई, SDM साहब भी, TI साहब भी, कलेक्टर साहब से बात हुई और चेयरमैन साहब से बात हुई, तो उन्होंने सभी बातें मानी हैं भलाई समाज की। तो मैं भलाई समाज को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें अच्छे रूप से इस बात को रखा और जो जिनाइन मांगे थी के परिवार के हित के लिए, वो सभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रिंसिपल साहब, उन्होंने सबने ये बातें मानी, तो आज इनकी सभी मांगे पूरी हुई। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से सबको सारी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ने सारी जानकारी ली है और वो इस मामले में सख्त कदम ले ही रहे हैं, उठा ही रहे हैं। धरने ही नहीं, दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद से ही जिला प्रशासन जो जो चीज़ें इस प्रकरण में आवश्यक रूप से होना चाहिए उसमें ध्यान दे रहे थे। कलेक्टर महोदय स्वयं मृतक सिसोदिया जी के यहाँ और घायल जो कंडक्टर बल्लू हैं उनके घर खुद गए थे, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को भी समझा था और प्रबंधन से भी लगातार उनकी चर्चा हो रही थी। जिला प्रशासन की तरफ से भी कलेक्टर महोदय द्वारा रेडक्रॉस से सहायता पहले पहुँचाई गई है। दोनों परिवारों के BPL कार्ड सर के निर्देश से तत्काल जारी हो चुके हैं और इवन नगर निगम में उसको अपडेट करा दिया गया है। उसके अलावा भी जो सुविधाएं शासन से, जो भी योजनाएं में उनको लाभान्वित किया जा सकता है या पात्रता बनती है, उनको सभी को कराने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था।